मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लोक स्वराज अभियान में गुरुवार को आपको बता दें दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे। रमन सिंह ने दुर्ग के कलेक्ट्रेट में तीन जिलों के अधिकारियों की संभागीय बैठक लेकर जिलों में हुए तमाम विकास कार्यों व लोक स्वराज में जिले आवेदनों के निराकरण से संबंधित जानकारी ली। डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि लोक स्वराज में 96% आवेदनों का निराकरण हुआ है, जिससे जनता में सरकार के प्रति संतुष्टि है। तीनों जिले में महत्वपूर्ण पहलू ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना, RSBY व विद्युतीकरण के क्षेत्र में 100% तक का कार्य किया जाना है, जिससे अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ पहुँच सके। कैसे, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह लोक स्वराज अभियान में गुरुवार को दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे। रमन सिंह ने दुर्ग के कलेक्ट्रेट में तीन जिलों के अधिकारियों की संभागीय बैठक लेकर जिलों में हुए विकास कार्यों और लोक स्वराज में मिले आवेदनों के निराकरण से संबंधित जानकारियां दी। रमन सिंह ने बताया कि लोक स्वराज में 96% आवेदनों का निराकरण हुआ है, जिससे जनता में सरकार के प्रति संतुष्टि है। तीनों जिलों में महत्वपूर्ण पहलू ये देखने को मिला कि प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना और विद्युतीकरण के क्षेत्र में 100% तक काम किया गया, जिससे अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंच सके। सीएम रमन सिंह ने कहा कि श्रम विभाग के तहत संगठित और असंगठित मजदूर को लेकर जिले में एक बड़ी योजना के तहत मई के दूसरे हफ्ते में एक बड़ा आयोजन किया जाना है। दुर्ग नगर निगम प्रदेश का पहला निगम बनने की कतार में है, जो उज्ज्वला योजना का लाभ 100% तक पहुंचाने में सफल हो रहा है। मुख्यमंत्री ने रोड कनेक्टिविटी के बारे में बताते हुए कहा कि रायपुर से दुर्ग तक 350 करोड़ की लागत से 4 फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है, जिसे लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से स्वीकृति मिल चुकी है। टेटसरा से आरंग तक 4300 करोड़ की लागत से 4 लेन का कार्य जल्द ही किया जाएगा, जिससे सड़क पर यातायात के दबाव में कमी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मई के महीने से सरकार 2 चरणों में विकास यात्रा निकालकर जनता के बीच जाएगी और सरकार के 15 साल के विकास को जनता तक पहुंचाने का काम करेगी। 15 सालों में जो सकारात्मक रुझान इस बार देखने को मिला वो अभूतपूर्व था। कुल मिलाकर लोक स्वराज अभियान के तहत सीएम का लोगों की समस्याओं को सुलझाने का सिलसिला जारी है। चंद्रकांत देवांगन, स्वराज एक्सप्रेस, दुर्ग।